ये बना है मेरे मतलब का नाश्ता, कैसे देसी चीजों में बना सारा। फवार पड़ रही है, अकल तुम्हारे में नहीं। क्या हुआ कि किसी को बताओ ना, चैनल का खुद ही सब्सक्राइब कर दो, खुद ही बेल आइकन को दबा दो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू और मैं मजे की बताऊँ, ये जो अंडे होते हैं ना, जो आप मार्केट से खरीदते हो या फिर दुकानों से खरीदते, प्रोसेस्ड अंडे होते हैं जो अपना डब्बों में आते हैं, वो हमारे का तीन तीन चार चार दिन में अगर हम देखें तो फ्रेश रहते हैं। ये जो मैं ऑफिस अंडे लेकर आता हूँ ना, मिश्री के और देसी अंडे, ये अगर आप 24 घंटे बाद एक दिन बाद खाओ ना, खराब हो जाते हैं। मैं कहा अंडे ये होते हैं सही में, वो है प्रोसेस्ड अंडे, जो आप 3-4 दिन बाद भी खाओगे तो फ्रेश मिलेगा। मैंने कहा ये है जो मिलेगा तो सही अंडे, में आज निकलते हैं कल खा लो अगले दिन। मैंने कहा भाई ये बेस्ट अंडा है, विदाउट एनी मिलावट, विदाउट एनी। घर वाले कहते हैं हमें इतनी से मिलने आते हैं भाई, मैं तो कहता मुझे ना, और इतनी एनर्जी वाले अंडे होते हैं, इनसे तो बेहतर ही होते हैं जो मार्केट में आ रहे हैं। अभी हम कॉफी पी रहे हैं, मिर्ची डाल जाए ना, फिर हम लोग अंडा भी बनवा के खाएंगे। हर ऐसा मौसम हो रहा है कि एट कैन एनी टाइम जो है ना सही बारिश होने वाली है, देखा जाए बिल्कुल ब्लैक होकर। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, आज तो भाई साहब 11 बजे से ट्यूब है निकाल लो, 11 RBC में निकाल लो, सारी ट्यूब है निकाल लो, आज ही बारिश होने लगी। खैर हमारा नाश्ता वास्ता का नाश्ता तो मुकाते हैं, और ये बना है मेरे मतलब का नाश्ता, कैसे देसी चीजों में बना सारा। मैं बनाने दीजिए तो मैं जबरदस्ती बनवाता हूँ, क्योंकि फजूल में जाया करो, चीजें महंगी बहुत आती है, मैं कहता हूँ खाओ तो भाई जब मंगवाई है तो। ये देसी घी में सिक्के में तुम लोग गौर से देखो ना, तो बारिश और उच्च की फवार पड़ रही है, जो कि आज वो सीधा ज्यादा हो जाए, बिकॉज काले बादल सही टाइट वाले आए भाई, इसी ऊपर ही चल के चढ़े आते। समझ नहीं आ रहा, शीशा जो रखा हुआ था छुपा के रखा हुआ है, ये क्या कंडे लिए रखा हुआ है, छुपा के रखा था कि नजर ना आए, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। बारिश का मजा तो ये ले रहा है, लोग कहते हैं पठान में अकल नहीं होती, ये हरकत है देखो इसकी, बारिश हो रही है उस पे पोछा मार। नरम हो गई तो जय भाई। अच्छा इस बात में मान रहे थे पठान में अकल, पठान में अकल होती है, कुछ पठान में अकल नहीं होती, मैं पठान के बाद में बात मानता एक्सेप्ट करता हूं। ले जो तुमने हरकत की है ना, ये इसकी बात मैं भी सोच रहा हूँ यार, कसूर पठानों का भी नहीं है, अकल तुम्हारे में नहीं। क्या हुआ कि अब इससे ये है कि साफ हो जाएगा, अगर बारिश तेज आई तो मट्टी सारी निकल जाएगी, तो तुम यही पड़े रहोगे, लेकिन फिर भी मट्टी तो ये रही। अजीब आदमी यार, मेरी बेइज्जती कर रहा है। बोलो माजरत, कैमरा सारा कुछ काम करवा लेते हैं, ब्लॉगिंग का ये बड़ा एक फायदा है, जो ब्लॉगिंग प्रोफेशन है ना, बड़ा फायदेमंद प्रोफेशन है, सारे काम बंदा करवा लेता है। मौसम अच्छा, हाँ मौसम अच्छा, अभी अभी मेरी बेइज्जती कर रहा था, चाय मांग। किसी को बताओ ना, चैनल का खुद ही सब्सक्राइब कर दो, खुद ही बेल आइकन को दबा दो। मैं सबको ना पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवाता हूं, सब्सक्राइब करो। आधा तरीका ये सब्सक्राइब करवाने का मेरे। अभी तक जो बार फवार पड़ी थी वो तो रुक चुके ना, अगर ये फवार वापस शुरू हो गई ड्यूरिंग द नमाज, तो नमाज का टाइम होने वाला 1:15 हो गया, इन द नेक्स्ट 45 मिनट नमाज का टाइम हो जाएगा, तो अगर ये बारिश के बीच में होगा तो भाई शैम्पे बुला कर चले जाओ ना, खुद उधर ही लेना। मैं कह दे रहा था जुम्मे दिन तुम लोग पता है एक्स्ट्रा रश होता है हर नमाज के अंदर, हर मस्जिद में सारे मुसलमान बनकर आ जाते हैं, तो कहने का ये मतलब है, तो भाई बाहर रोड तक लोग पढ़ रहे थे नमाज, आहो ये वजह है, कोई अंदर जो पढ़ रहे वो तो पढ़ रहे, जो बाहर है वो बैग जाएगा। मैंने बहुत एक मिनी ब्लॉग बनाया था, असल में बात थी जब मैं नीचे जा रहा था नमाज पढ़ना, तो कल कुछ दोस्त मेरे मिल गए थे, तो मैंने बोला यार अब लिफ्ट पूरी भरी हुई थी, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मगर कहे जो सच बात है आपस की बात, जो सच बात है वो ये कि जो मजा घर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने का था ना, कोई और नहीं आता, वैसे नमाज हर जगह ही पढ़ी जाती है, लेकिन फैक्ट्री जो मस्जिद है ना उसमें जो घर के खर्चा पे तलावत और वो बड़ी अच्छी तरीके से करते, वहाँ पर स्पीकर ही ऐसे फटे हुए, समझ नहीं आता बंदा बोल के रहा, खुद भी मैं क्या बोल रहा हूँ, दो में क्या पढ़ रहा है समझ नहीं आता। बिरयानी बनी है, बिरयानी बनी है, हमारे घर का ना ये कंफर्म होता है फ्राइडे वाले दिन बिरयानी का, भाई कुछ बने ना बने ये कंफर्म था फ्राइडे दिन बिरयानी बनेगी। होए होए होए, मैंने ना ब्लॉग जरा देर से स्टार्ट किया, मैंने उसका ढकना खोला था ना तो एकदम से बाहर भाप आई थी। होए 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 होए, कुछ भी बिरयानी एक ऐसी चीज होती है स्पेशली अम्मा की, मेरे मामा के हाथ की जो बिरयानी है ना, यह बिरयानी है मटन का गोश्त का है, मैं समझ रहा हूँ बिरयानी है,
बट टमाटर का गोश्त मजेदार होता है। गोश्त आजा, गोश्त आजा, आलू तो निकाल लिया, दूसरा भी आलू निकाल लेता हूँ। मेहमान लोग घर जाते हैं, लोग तकल्लुफ कर खाते हैं, मेहमान तकल्लुफ कर खाता है, हमारी आदत नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे लिए बनाया ना। आ जाओ यार बोटी, मजेदार। अच्छा ये भी कर दिया ना, बस ये ऊपर से रह गया, एक ये पीस ऊपर से रह गया और बाहर वाली सामने पट्टी नजर आ रही है दरवाजे के साथ जो पतली सी पट्टी है, एक ये रह गई है। मम्मी को ये भी बताने कि मम्मा दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वन, यू जस्ट इंक्रीज द जरा सा डॉलर चीज का प्रॉब्लम है, डॉलर प्रॉब्लम नहीं तो मैं अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन इसको बना। ऐसे कल मैंने ऊपर पेंट मारते मारते ना ऐसा पेंट मारा कि सारा उड़ते हुए ना मेरे कपड़ों पर आ गया, सफेद कपड़े के काले कपड़े सफेद हो गए। अभी मेरे व्लॉग बना के यूट्यूब पढ़ा था कि मैं भी देखो भाई मेरा काम कैसा है। कल मुझसे पूछे इंटरव्यू देखो मेरी वीडियो, हमारी से वीडियो बनी हुई ना सुल्तान एंटरप्राइज का, तुम ऑनलाइन चेक करो जाकर। मतलब वैसे हां मैं बनाता हूं बार बार, हर चीज डेमो डेमो देनी पड़ती है। आप एक दफा वीडियो मेरी बनवा दें यूट्यूब पे कि भाई मैं इस तरह काम करता हूं, इस तरह डब्बा खोलता हूं, इस तरह माल बनाता हूं, जो बच जाता है उसको पता है कहां लगाना होता है, नीचे नीचे कोने खांचे में कहीं फिलिंग शिलिंग, मुझे पता है सारा माल यहीं पेस्ट करना है, बचाना नहीं, तो इसलिए मैं जो ना कर तरीके से काम को करता हूँ फिनिशिंग के साथ। अब बात ये है मैं इसका कम ब्लॉग बना कोई प्रोसेस हो, जैसे हमारे प्रोसेस है, अब इस बंदे का पता नहीं होता कि कहाँ पेंट लगाना है कैसे लगाने, इन द सेंस कि भाई कोई एक स्टार्टिंग नहीं होती तुम्हारी जी, समझे तुम्हारा ना कैसे स्टार्टिंग यहाँ दूंगा तो मैं वो दिखाऊँ सारा। देखो मेरा काम मतलब मैं तीन बंदों का काम, एक हेल्पर का, एक ठेकेदार का और एक कुछ कारीगर का। एक ठेकेदार का काम भी मुझे करना है, सामान भी समेटना है, हेल्पर का काम भी कुछ करने, घिसाई विसाई भी करनी है, फिर उससे ऊपर जो एक फाइन फिनिशिंग भी मैं नहीं देनी, तो मैं पार्ट टाइम में बचा काम भी कर रहा हूँ, फिलिंग भी कर रहा हूँ, सफाई भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा काम करते करते इसका एक टाइम मैनेजमेंट के अंदर टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन मैंने टाइम के अंदर पूरा कंप्लीट करके दे देता हूँ। आधा दिन रात चार पाँच घंटे ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि सामान सारा सेटल पड़ा होता है, उसको भी सेटल करना हो। तुम्हारा नंबर क्या? 0300-3575-697 ट्रायम पेंटर प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लेट कर देना, इस बंदे ने बोला है मैं तुम्हें प्रोफेशनल नहीं मानता, लेकिन 3 महीने के बाद दोबारा काम के लिए बुलाया। एक कॉफी मैंने पीते सुबह नाश्ते में, अभी सोच रहे और कॉफी मिलाकर पीऊं, क्या ख्याल है? 4:15 हो रहे हैं, 4 बजे हम चाय पीते हैं, पीएंगे काफी। ओए हेलो अपना ये सैम, चाय पियोगे? कभी गलती से मना नहीं करना तुम जिंदगी में, मुफ्ते पे हमेशा बोलना हाँ पीऊंगा। झूठा आदमी, अभी तक कब मना किया जरा बताना, अभी तक कब मना किया? तबीयत सही नहीं थी, मैं रोजा नहीं चाय पूछ रही बाजी, कल पीने का दिल था बाजी बगैर पूछे चली गई, तो अम्मी ने बोला चाय पी, मैंने कहा नहीं, मैंने बोला पीने का दिल तभी आप निकल गई, आज भी निकल गई अम्मा वैसे तो, आज भी मत पी। तो नहीं नहीं मैं अभी कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं। ये देखो मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं। सही मजाक नहीं, चाय पियोगे ना? कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं। अरे मैंने भी पीनी ना फिर, मैं नहीं पी। बंदा वो चेक करता मना, नाराज हो गया, बनवा देता हूं मीना, 2 ग्लास कर देना चाय यार, आज 2 कप चाय मैं और ये तो चाय नहीं पीनी, तो मैं अभी तो हम कहते चाय पीनी है, यहूदी कंपनी पी रहा है ये भी, देखो यहूदी कंपनी है यार, इसका है पेट खराब, ठीक है उस चक्कर में रात को डर डर के पिए, मैंने कहा उस्ताद काम खराब हो गया तो गया। अबे नहीं ऐसे काम नहीं खराब होता, ये तुम पूरी पी जाओ, कैसे कुछ नहीं होगा, चलो बेटा बेहतर होगा, बिकॉज आपको ना गैस चाहिए होती स्टमक में, इससे कुछ नहीं होता, मैं खुद ही पी हरकत करता हूँ। नीचे देखना, ओ अच्छा क्या बता, डायरिया में कन्वर्ट हो रहा था, जब डायरिया में कन्वर्ट हो जाता है ना तो फिर उसके लिए हम काफी बना इसकी दर्जी डॉक्टर की बहुत एमबीबीएस किया है हम लोग को, अंगूठा छाप इस गर्मी में जो ठंडी कॉफी में मजा आता है ना। अच्छा ये जो टेरेस वाला एरिया ना, मैंने अपनी मामा से बहुत कोशिश की लेने की, मुझे टेरेस वाला एरिया दे दे, बेशक आधा एरिया दे दे ऑफिस के लिए, मैं चाहता था अपना ऑफिस ऑफिस से सेटअप बना लूं और ब्लॉगिंग यूट्यूब सेटअप बना लूं। मेन वजह ये थी इधर शिफ्ट करने की, मेरा सेटअप उसकी वजह थी, मैं कह रहा ऑफिस जो है ना मेरा कमरा अलग हो जाएगा, ऑफिस अलग हो जाएगा, इस तरीके से कि भाई उधर सब बात है, मुझे बार बार डिस्टर्बेंस होती कभी कभार ना, ज़्यादातर मोस्टली जब
तो मैंने कहा यहाँ अलग से सेटअप बना लूंगा, लकड़ी का दरवाजा लगा लेंगे, मतलब लकड़ी पलाई लगा लेंगे, आधी जगह छोड़ देंगे और आधी जगह इस्तेमाल कर लेंगे। मामा ने बोला नो बट नो कर रहा हूँ। मैंने मामा को पैसे भी ऑफर किए मगर नहीं नहीं नहीं। हाँ बोलो क्या कह रहे हो तुम। हाँ ये मेला हो गया, हाँ कैमरे में भी नजर आ रहा है, खराब हो गया वो। हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। ऑडियंस एरी मेरे सामने। हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। ओए होए होए, अच्छा इसने लगाया, मुझे लगा इससे लगाया था झंडा, पीछे झंडा लगाया हुआ है। मैं भी एक मीटिंग के अंदर था, मीटिंग करते करते मेरी फोन की बैटरी 23% पे, उसके बाद ऐसे गिरी है कि तुम लोग देख सकते हो, एकदम से आगे 15% पे। फिर मैंने पावर बैंक पे लगाया, फिर मैं वॉइस मैसेज पे बात किया, बिकॉज डेटा रुक गया एकदम। डेटा ने बड़ा तंग किया हुआ, इंटरनेट बड़ा तंग कर रहा है आजकल यार। यार कसम से सुबह से इंटरनेट नहीं चल रहा ना, बड़ा मुझे तंग कर रहा है यार। मेरी मीटिंग थी वो अभी समझ लो आधे घंटे की मीटिंग थी, आधे घंटे की पूरी ले ली थी, लेकिन एंड में इंटरनेट बैठ गया, इंटरनेट चलने ही रुक गया। मोबाइल डेटा बहुत स्लो स्लो चल रहा है लिटरली। ये देखो ये भी अभी loading और ये जो मैं कंप्यूटर है लैन से कनेक्टेड है, इट्स कनेक्टेड बाय लैन बट स्टिल इट्स शोइंग दैट नो नथिंग नो लाइफ डेड। मुझे मेरा मोबाइल वाला कहता था वीपीएन ऑन करके इस्तेमाल कर लो, कि मैंने कहा ब्रो जब पबजी बैन हुआ था ना पाकिस्तान में, तब से मैं वीपीएन इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं कहा वीपीएन भी इस बार मार खाया हुआ टाइट वाला। मैं कहा या तो होता ना कोई एक साइड ब्लॉक की, मतलब वीपीएन इस्तेमाल कर ले। मैं कहा जब इंटरनेट ही बंद कर दिया, इंटरनेट इतना स्लो आ रहा था, वीपीएन क्या खोल लेगा? वीपीएन तब कुछ करेगा ना जब कुछ सिक्योरिटी होगी। नहीं होगा भाईजान, कनेक्ट नहीं होगा, इंटरनेट ही नहीं है, कह रहा है वीपीएन कनेक्ट करो। इंटरनेट असल में सारे को इसलिए वीपीएन में ट्रांसफर किया हुआ है क्योंकि इंटरनेट पे भरोसा ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता है वीपीएन पे काम।